भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी का। आपने कभी सुने हैं कि कौनों सत्ताधारी पार्टी अपने ही पार्षदन को दूसरे राज्य में पहुंचा देवे ना कि अपने राज्य में धरवे। जी हाँ, बड़ो गजब को मामला सामने आओ है। ग्वालियर में इतने भारतीय जनता पार्टी ने अपने 34 पार्षदन को दिल्ली पहुँचा दो है एक बस में भर के, यानी पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी है। अब जब बाड़ेबंदी दूसरे राज्य में काय भाई, जो भी एक बड़ो सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि जब बाड़ेबंदी भाई काय, दरअसल ग्वालियर में महापौर को चुनाव नगर निगम में जीत लो है कांग्रेस पार्टी की शोभा सतीश सिकरवाल ने, और अब ग्वालियर में नगर निगम में सभापति को चुनाव होने, इतने 66 पार्षद चुने गए हैं पूरे ग्वालियर में, जिनमें से 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, 25 पार्षद कांग्रेस के चुने गए हैं, बाकी अन्य और निर्दलीय के चुने गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 66 पार्षदों में से 34 ही चाहने अपनों सभापति बनावे के लाने, यानी भारतीय जनता पार्टी बेहद आसानी से अगर चाहे तो अपनों सभापति बना सकते हैं। बहुमत से एक ज़्यादा पार्षद उनके पास हैं, लेकिन गणित इतना ही फेल हो दिखा रहा हूँ। काय के कांग्रेस पार्टी के पास हैं 25 पार्षद, 3 निर्दलीय कांग्रेस के संगे आ चुके हैं सो हो गए 28, 4 अन्य कांग्रेस के संगे और आवे की संभावना है, ऐसे में कांग्रेस के पास हो रहे 32 पार्षद। सो 34 पार्षद भाजपा के, 32 पार्षद कांग्रेस के। अगर केवल एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग कर देवे कांग्रेस के पक्ष में, सो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर बराबर हो जाए, यानी 33-33। और ऐसी परिस्थिति में महापौर को वोट डलवाओ जो है, जो बेहद अहम हो जाए, जो कांग्रेस को ही है, सो कांग्रेस के हो जाए 34 और भाजपा के रह जाए 33, और ऐसे ही भाजपा को गणित हो सकते हैं फेल। और यही वजह से डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करी, सबरे पार्षदों को इकट्ठो करे, जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी के नेतृत्व में जे दिल्ली रवाना भय सबरे पार्षद। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? पार्षद दल की बैठक है। कुछ जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कल दावा किया कि सभापति बनाएंगे, बीजेपी के कुछ संपर्क में, तो ऐसा कुछ डर है क्या? देखिए, उनके 25 पार्षद हैं वो अल्पमत में हैं, हमारे 34 पार्षद हैं हम बहुमत में हैं, वे 25 पार्षद हमने संभाल के रख लें तो उनकी सफलता मानी जाएगी। अब दो बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगवे की आशंका काय है, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में है, तमाम सारे नेता ग्वालियर के हैं, दो दो केंद्रीय मंत्री ग्वालियर के हैं, और शायद तमाम सारे ग्वालियर के बड़े बड़े नेताओं के चलते ही ऐसो कही जा रही कि जो नुकसान ग्वालियर में महापौर के चुनाव में भाव, अब भाजपा उन नुकसान से सबक लेके सभापति के चुनाव में कौन नुकसान हो नहीं देख वो चाह रही, सो उन्हें अपने 34 पार्षद सुरक्षित करने को प्रयास करे है। और दूसरी बड़ी बात कि शोभा सतीश सिकरवार की पत्नी है, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, भाजपा के जितने पार्षद चुने गए हैं उनमें सतीश सिकरवार के कईयों से बेहद अच्छे संबंध हैं, सो पूरी आशंका ये बात की है कि एक दो वोट तो वे नाय के माय कर सकत। अब जा तो बात रही बाड़ेबंदी की, जा बात रही कि पार्षद इतने के उतने हुई हैं, लेकिन एक बात को की समझ में नहीं आ रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को दिल्ली का शिफ्ट करे, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शासन प्रशासन से कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य की पुलिस इंटेलिजेंस या फिर राज्य के अधिकारियों पर भरोसा नहीं आ कि वे भाजपा के विधायकों को नाय के माय होत देख भी लें और रोकने की कोशिश भी नहीं करें? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं वे ये बात को लेकर आश्वस्त नहीं आ कि भोपाल में, इंदौर में या कोनो भी दूसरे शहर में उनके पार्षद जो है कांग्रेस के संपर्क में नहीं आए? बहुत सारे सवाल हैं
लेकिन अभी तक राजनीति में आपने जो तो देखी हुई है कि जो भी नेता चाहे वे विधायक हों चाहे कौन और पद के हों, जब शिफ्ट करत कौन पार्टी सुबह कोशिश करत कि जी राज्य में उनकी सरकार हुए उ राज्य में शिफ्ट करे जाए, लेकिन इतने उल्टो हो रहो। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश से पार्षद दिल्ली पहुँचाए गए। अजब गजब मध्य प्रदेश की अजब गजब राजनीति। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लश ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।